राइट right, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रिकर्सर होता है बिल्कुल सही है बिकॉज अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है एंड दिस इज द न्यूक्लियस हेयर दैट इज कवर्ड बाय द न्यूक्लियर माम्रेन इन दिस मैनर राइट अब ये जो न्यूक्लियर माम्रेन है यहीं से हमारे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अरेन्ज होंगे इन दस माने ये जो टिब्यूल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज अराउंड द न्यूक्लियस इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाटिकुलम इसलिए कहेंगे बिकॉज इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और आप स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे प्रिकर्सर होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सो हेयर दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम एस सी आर भी कहते हैं और ये हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ऑरिजिनेट होते हैं रीजन देखेंगे रीजन दिया गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइजेस फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आफ्टर द डिटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम्स बिल्कुल सही है इन्होंने बोला है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक क्रेटिकुलम से ही अराइज होते हैं आफ्टर द डिटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम आप देख सकते हैं इसकी सरफेस पे कोई भी जो राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है और जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्रेटिकुलम है ये इन्वॉल्व होते हैं इन द लिपिड सिंथेसिस राइट देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है इफ वो थेजेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लानीशन ऑफ एजोशन तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होता है बिकॉज एजोशन और रीज़न दोनों ही हमारे सही स्टेटमेंट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लानीशन है एजोशन के देखेंगे सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है वो थे जोशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लानशन ऑफ एजोशन तो यह ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर गलत है थर्ड दिया गया है जोशन इज ट्रू एंड रीजन इज कॉल सो ऑप्शन गलत है